हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ग्रीन स्मोकी आई विद कट क्रीज। तो कट क्रीज आई मेकअप करना है और जो कि ग्रीन स्मोकी होगी। तो सीटीएम के बाद, जैसा आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट किया है। और आई बेस के लिए मैंने जो कंसीलर यूज़ किया है वो है आइवरी शेड फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। तो ये एचडी मेकअप है, तो जो बेस है इसमें मैंने सारे मेकअप स्टूडियो के ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, और जो पैलेट मैंने यूज़ किया है वो भी मेकअप स्टूडियो का ही है। उसका जो पीच कलर है, पीच और पिंक का कॉम्बिनेशन है ये कलर, ये मैं अक्सर बेस पे देती हूँ। तो सबसे पहले उस कलर से हम इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से इस तरीके से आप आई शेडो को अप्लाई करेंगे, और जो इसका मूवमेंट है आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। तो देखिए क्रीज एरिया कितनी अच्छे से डिफाइन हो गई है। अगर आप इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे तो आपको जो क्रीज है वो बहुत अच्छे से नज़र आने लगती है। तो पहले मैंने जो लाइट शेड लिया था, फिर उसी से ही जो ट्रांजिशन शेड था उसका थोड़ा सा डार्क शेड लेके और इसको मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली स्मोकी आई है। तो मैंने बैक साइड में ब्लैक मैट आई शेडो अप्लाई किया है, आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है। और ये देखिए, ये ब्लैक को केवल मैंने बैक साइड में ही अप्लाई किया है, जैसा आप देख रहे हैं। और सेम ऐसे ही हम सेकेंड आई में करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे कट क्रीज। कट क्रीज के बाद आप देखेंगे जो ग्रीन पिगमेंट है वो मैं अप्लाई करूँगी। तो जो ये आई मेकअप है इसमें मैंने बहुत सारे ब्रशेज़ नहीं यूज़ किए हैं। तो एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट देने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ग्रीन पिगमेंट दे रही हूँ, क्योंकि ये आई मेकअप ग्रीन स्मोकी है। ग्रीन जो आप कलर की स्मोकी आई जब आप करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से होता है। अगर आप कट क्रीज कर रहे हैं तो इस टाइप से कर सकते हैं। जो आई शेडो पैलेट मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे प्रोडक्ट मेकअप स्टूडियो के ही हैं। अब इस तरह से आपको जैसे क्रीज एरिया दिख रही थी आईज़ में, बस वहाँ पे हमको फिर से बेस अप्लाई करना है जो मैंने पहले अप्लाई किया था। इससे क्या होता है कि आपका जो शेडो आई शेडो होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है, पिगमेंट बहुत अच्छे से दिखने लग जाते हैं। तो केवल हाफ कट क्रीज कीजिए, और इसके अप्लाई इसको करने के बाद आप जो भी डिज़ायर पिगमेंट हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया था पहले, और उसके फ्रंट में गोल्डन पिगमेंट दिया था। तो जब आप इस यहाँ पे जो ब्रश यूज़ करेंगे, फ्लैट ब्रश यूज़ करें, बिकॉज़ अभी आपको पिगमेंट रखना है, ब्लेंडिंग नहीं करनी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, फ्लैट आई शेडो ब्रश से ही आप पिगमेंट रखें। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर रख रही हूँ, अभी रख रहे हैं। उसके बाद आप ब्लेंडिंग थोड़ा सा इसी ब्रश से ही कर दें, ताकि जो कलर्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स होते हुए दिखें। फ्रंट में जैसा आप देख रहे हैं गोल्डन पिगमेंट रख रही हूँ। इसके बाद हमको आई शेडो को ब्लेंड करना है, जैसा आप देख रहे हैं, ताकि पिगमेंट एक दूसरे में मिक्स होते हुए नज़र आए, एक डिफाइन लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। और ये आई शेडो प्रिपेयर्ड हो गया है। अब बारी है लाइनर की। तो यहाँ पे मैंने मैबलिन
का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। इसको इस तरीके से आप अप्लाई करें। और मेरी जो ये क्लाइंट हैं, इनको आईलेसेस नहीं लगाने थे, तो अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करें, जिससे लुक जो होता है बहुत अच्छा आ जाता है। आईब्रोज फिलिंग के लिए मैंने कलर बार का जो आईब्रो फिलिंग पैलेट है वो यूज़ किया था, उसमें डार्केस्ट ब्राउन शेड यूज़ किया था। और इस तरीके से आप थोड़ा सा लाइनिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, आईब्रोज एकदम डिफाइन नज़र आता है। अब बारी है प्राइमर की, तो यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज़ किया है और इसको जहाँ जहाँ आपका टी जोन एरिया है खासकर वहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। पूरे फेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, और 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद ही आप इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप फेस देख रहे हैं, करेक्शन के एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं केवल आइज़ के नीचे थोड़ा थोड़ा ऑरेंज शेड दे रही हूँ और उसके बाद जो इनका स्किन टोन है वो कंसीलर मैंने केवल हल्का हल्का अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लोटस का फाउंडेशन यूज़ किया है, जो नेचुरल शेड का फाउंडेशन है उसको अप्लाई किया है। और ब्यूटी ब्लेंडर से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ मैं बिल्कुल लाइट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मेकअप स्टूडियो का ही पैलेट यूज़ किया था, उसमें थोड़ा सा लाइटेस्ट ब्राउन जो शेड था उससे मैंने थोड़ी थोड़ी कॉन्टूरिंग की है। नोज़ की कॉन्टूरिंग करेंगे, चिक्स की, फॉरहेड की, पूरी कॉन्टूरिंग करनी है लाइट लाइट। और उसके बाद आप लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे या कॉम्पैक्ट पाउडर है वो अप्लाई करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो काजल के लिए मैंने मेबलिन का काजल अप्लाई किया था और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक। तो जो मेरी क्लाइंट हैं उनको डिज़ायर यही शेड चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने लोटस का लिप क्रेयॉन यूज़ किया है जो कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैट लिप कलर है, जो कि जब आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट फील होगा आपको और रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मीन्स बहुत टाइम, 7 to 8 hours तक आपका ये जो लिपस्टिक है वो हटेगा नहीं। तो लिप्स काफ़ी बड़े थे, तो आप जैसा देख रहे हैं अगर आपके इस टाइप के शेप हैं तो थोड़ा सा अंदर अंदर आपको फिलिंग करनी है। और बिल्कुल लाइट हाइलाइटर दिया था बिकॉज डेज में आप ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा और होपफुली आपको ये मेकअप लुक हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा ये मेकअप लुक। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए लुक्स को लेके आपके लिए आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।
Thank you.